आलू मटर चाट के लिए मैंने गैस ऑन करके प्रेशर कुकर ले लिया। इसमें मैंने पानी डाल दिया। उसके बाद मैंने सुबह से भिगा के रखी थी सफ़ेद वाला मटर कम से कम 6 से 7 घंटा के लिए, उसको अच्छे से धो के इसमें डाल दूंगी। चार आलू का छिलका उतार के उसको अच्छे से धो के इसमें डाल दूंगी। 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करूंगी। 1/2 टेबल स्पून नमक डालूंगी। अभी मैंने प्रेशर कुकर का कवर लगा के 3 से 4 विसिल आने तक वेट करूंगी। चार विसिल हमारा आ चुकी है। विसिल खत्म होने तक मैंने वेट की। अभी प्रेशर कुकर का कवर खोल के देखी तो हमारा मटर ऐसी पक चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, ऐसी टाइप का पकाना है। आलू को मैंने अलग करके रख लिया। अभी मैंने आलू को थोड़ा सा मास कर दूंगी, ज़्यादा मास नहीं करना है। आलू मटर बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गरम कर लिया। इसमें मैंने तेल डालूंगी। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज की, आप कोई सा भी तेल का यूज कर सकते हो। तेल गरम होने के बाद मैंने 1/2 टेबल स्पून जीरा डालूंगी। जीरा हल्का सा भुनने के बाद मैंने इसमें मसाला ऐड कर दूंगी। मसाला में मैंने 1 प्याज, कुछ लहसुन, कुछ अदरक लेके मैंने ग्राइंडिंग की थी। इसको मैंने अच्छे से मिला लूंगी और 1 से 2 मिनट तक मैंने फ्राई करूंगी। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूंगी। हल्दी देख के डालना है क्योंकि हम बॉईल करने के टाइम पे हल्दी ऐड किए थे। थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। ये सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी मैंने जो काट के रखी थी टमाटर, इसको ऐड कर दूंगी। टमाटर पकने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक भी देख के डालना है क्योंकि हम बॉईल करने के टाइम पे भी नमक भी डाले थे। ये सब को हम अच्छे से मिला देंगे। अभी मैंने ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट तक मसाला टमाटर का पकने के लिए छोड़ दूंगी। 2 से 3 मिनट हमारा हो गया, मसाला टमाटर हमारा अच्छे से पक भी चुकी है। अभी मैंने थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि मसाला नीचे ना लगे। अभी मैंने जो रखी थी मैश करके आलू को इसमें डाल दूंगी और मसाला के साथ आलू को अच्छे से मिला दूंगी। मसाला आलू के साथ अच्छे से मिक्स भी हो गया। अभी मैंने जो बॉईल करके रखी थी मटर को इसमें ऐड कर दूंगी। ये सबको अच्छे से मिला दूंगी। इसके ऊपर मैंने चाट मसाला ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी चाट मसाला को आलू मटर के साथ। अभी मैंने ढक्कन लगा के 1 से 2 मिनट तक छोड़ दूंगी। 1 से 2 मिनट हमारा हो गया, आलू मटर हमारा पूरा रेडी भी हो गया। अब मैंने गैस को अप कर दूंगी और इसको साइड करके रख दूंगी। आलू मटर चाट के लिए इमली का चटनी चाहिए, बिना इमली से ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने अभी इमली का चटनी बनाऊंगी। इमली का चटनी के लिए मैंने 1 घंटे से पहले इमली को भिगा के रखी थी पानी में।
मैंने इमली को इसी टाइप का मिला दूंगी और इसका पल्प निकाल दूंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डालूंगी, एक हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो। इसको मैं अच्छे से मिला दूंगी। अभी मैंने एक प्लेट में, इसी टाइप का प्लेट में पापड़ी को सजा के रख दिया। पापड़ी मैंने घर पे ही बनाई थी। ये जो आलू मटर मैंने बनाई थी, इसको मैंने इसका बीच में इसे डाल दूंगी। इसके ऊपर 2-3 पापड़ी को इसे टुकड़े टुकड़े करके डाल दूंगी। थोड़ा सा सेव डालूंगी, सेव के जगह में आप आलू भुजिया का भी यूज कर सकते हो। ये जो इमली की चटनी बना के रखी थी उसको डाल दूंगी इसके ऊपर। अभी मैंने काट के रखी थी खीरा, प्याज, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, ये सब का मैंने ऐड कर दूंगी इसके ऊपर। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालूंगी। जीरा मिर्च पाउडर डालूंगी। जीरा मिर्च पाउडर मैंने जीरा और कुछ सूखा मिर्च, जो लाल मिर्च होता है, उसको लेके मैंने हल्का सा भून के उसको ग्राइंडिंग करके पाउडर बना के रखी थी। अभी मैंने थोड़ा सा टमाटर सॉस ऐड कर दूंगी। ये हमारा हो गया चटपटा आलू मटर चाट। ये बहुत बढ़िया भी दिख रहा है, इसको देख के तो मेरा मुँह में पानी भी आ जाता है। ये हमारा पूरा रेडी हो गया। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं हूँ सागरिका, आप लोगों को स्वागत करती हूँ हमारा यूट्यूब चैनल ओडिया होम फूड एंड लाइफस्टाइल को। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे में होंगे साईं बाबा की कृपा से। और आज मैंने ये वाला वीडियो हिंदी में बना दिया। तो एक्चुअली मेरे बहुत सारे फ्रेंड मेरे को बोल रहे थे कि हिंदी में बोलने के लिए, तो आज तक तो जो भी वीडियो बना हुआ था सब ओडिया में था, सब तो हमारा लैंग्वेज में ही था, तो आज मैंने हिंदी में बना दिया। जो तो ये पहला हमने ये एक डिश बनाई है, सो इट्स बेसिकली वेरी स्पेशल डिश, यू नो, बीइंग प्रिपेयर्ड इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में बहुत ही फेमस डिश है, बहुत अच्छा डिश है। नॉट डिश, बेसिकली स्नैक्स है। स्नैक्स है, हाँ। तो इसका नाम है, आप बताओ क्या नाम है? ये उड़िया फेमस जो होता है आलू मटर चाट। आलू मटर चाट है, हाँ, उड़ीसा का एक फेमस स्नैक्स टाइप का आइटम होता है ना। शाम के टाइम पे मैक्सिमम टाइम ना, शाम के टाइम पे हर गली में, हर मैक्सिमम दुकान में मिलता है, रोड के साइड में भी मिल जाएगा आपको उड़ीसा में। ये तो हम बना के खा भी लिए, मस्त था यार। बहुत दिन के बाद उड़ीसा का टेस्ट मिल गया मेरे को यहाँ घर पे बैठे। तो मतलब एक होता है ना होम फूड का और स्ट्रीट फूड फ्रॉम उड़ीसा का मजा आ गया। हाँ, बहुत टेस्टी भी था और अच्छा लगा। आपने थैंक यू मेरा वाइफ को, उसने बनाई, बहुत मेहनत की है इसमें, और आप लोगों को पूरी बात अच्छा लगेगा। हाँ, रेसिपी देखो और अच्छा लगेगा। यू नो ये उड़िया का एक स्पेशल फूड है, तो आप भी घर पे बनाओ और बनाने के बाद आप लोगों का एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर जरूर करना, कैसे लगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा। हाँ, और लेस स्पाइसी है, कोई ऐसा इतना आपका हेल्थ हेल्थ के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं होगा कि खराब नहीं होगा, इतना बढ़िया इतना
सिंपल फूड है, ज्यादा तेल वेल भी तो कुछ नहीं कुछ नहीं, हाँ। कुछ नहीं है, थोड़ा सा तल में भी सब कुछ हो जाएगा। और ठीक है, और मेरा चैनल को ऐसे भी देखते रहो, और जो भी मेरा चैनल का सब्सक्राइब ही नहीं किए प्लीज मेरा चैनल का सब्सक्राइब कर देना, और ये जो पास में जो बेल आइकन भी है सब्सक्राइब करने के बाद उसको भी दबा देना न्यू आइटम का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आप, मैं यही बोलूंगा आप एक बार घर पे बनाओ इसको, हाँ। और टेस्ट करो और हमको कमेंट में लिखो कैसा लगा, हाँ। कैसा लगा आपके, मतलब ये वाला आइटम, हाँ, आलू मटर चाट कैसे लगा आप लोगों को। ये हमने एक नाम दिया इसका, क्या है, चटपटा चाट, हाँ, उड़ीसा फेमस, उड़ीसा फेमस चटपटा चाट। चलो अभी हम तो रखते हैं, तो आप घर पे रहिए क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, और जो गाइडलाइन आता है गवर्नमेंट का उसको फॉलो करना हमारा बहुत जरूरी है, सबके लिए अच्छा, सबके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, आपके घर वालों के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो हम भी पूरा घर पे है, अभी 2 महीना हो गया तो कहीं बाहर नहीं निकल रहे हम, तो क्योंकि बाहर में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहा है दिन में दिन, तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं तो घर पे रहिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए, जब तक गवर्नमेंट का कोई न्यू गाइडलाइन नहीं आता है तो तब तक तो एटलीस्ट घर पे रहिए, क्योंकि घर पे रहेंगे तो हम कोरोना को हराएंगे और सबके लिए अच्छा भी होगा, सबके लिए अच्छा होगा। और चलो अभी तो हम रख रहे हैं और हम मिलेंगे फिर आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप घर पे रहिए, चलो बाय 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 बाय।